हेलो स्टूडेंट, आप सबका इंपल्स एजु ग्रुप दोसा में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम क्या पढ़ रहे थे, हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जान चुके थे पहले से ही कि हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग और नई नई चीज़ें क्या हो सकती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे अराइज होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी किसी प्लेन के अंदर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को जैसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दैट, बात करें कि सर उसको कभी भी ज्योमेट्री में दिखा सकते हैं क्या? क्या कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते वक्त ज्योमेट्री में शो कर सकते हैं क्या? क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन ज्योमेट्री में शो कर सकते हैं क्या? एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप सब जानते हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर हम जो भी चीज़ करते हैं विद लॉजिकली मैजिकली हर चीज़, विदाउट लॉजिक और मैजिक मैथ्स में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मीन्स मैथ्स में है जो यही है, ज्योमेट्रिकली एंड ग्राफिकली चीज़ें जब मैथ्स के अंदर हमें जाननी होती है तो किसके थ्रू जानते हैं? इसी के थ्रू तो जानते हैं। तो चलिए आज अपन ऐसा ही कुछ ज्योमेट्रिकली पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। नो डाउट ये थोड़ा सा टफ पोर्शन माना जाता है, बट ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इजीली आप कर सकते हो, ऐसे मानते हैं। खाली मेरा कहना है, मतलब मेरा मानना है कि ऐसे लोग मानते हैं। जो मेरा इसलिए मानना है कि लोगों ने मुझे ज्यादातर कहा कि सर ये समझ नहीं आता, इसलिए ऊपर ऊपर का जो मैंने यहाँ तक पढ़ा है जेई मेन के लिए आपको, आपके लिए वन ऑफ द मतलब 100% मान के चलो कवर अप हो गया। लेकिन अभी कुछ चीजें ऐसी बता रहे हैं जो कहीं कहीं किसी तरीके से आपका यूज आ जाती है, तो उनके थ्रू भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं आज कि हम पढ़ने के हवाले। सबसे पहले जो मैं बताने वाला हूं आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं किसी आर्गन प्लेन के अंदर रोटेट करता हूं तो मेरे पास क्या चीजें आती है, लाइक दैट मैं बात करते हैं सिंपल तरीके से, बिल्कुल सोच के देखते हैं, बहुत आसानी से समझेंगे, कोई ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचना कि सर ये क्या चीजें बता रहे हो, पर ऐसा इसके अंदर कुछ टफ नहीं है, बिल्कुल आराम से समझोगे तो इसका ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन भी एंड रिप्रेजेंटेशन भी आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, वो दिख रहे होंगे आपको, और ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए, गॉट इट? अब इसके बाद में मैंने क्या कर दिया, ओपी और ओक्यू की डिस्टेंस ले ली लाइक दैट आर, और जेड वन को ले लिया मैंने आर सिक्स फाइव। आर सिक्स फाइव का मतलब अगर काफी बच्चों को नहीं पता था, वापस लिख देता आर ब्रैकेट ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आई थिंक फाइव है ना, तो फाइव ले लेंगे अपन यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अब यहाँ पर ओ मेरे पास ओरिजिन है, तो मैंने इस डायग्राम से ये देखा कि एक्स ओ पी एंगल है जो मेरे पास फाइव दिखा, मुझे दिख रहा है ना आपको, और एक्स ओ क्यू एंगल है थीटा प्लस फाइव दिखा। तो सिंपल सी बात है सर, थीटा प्लस फाइव दिखा, तो इस लाइन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये लाइन भूल जाओ, दिख गया ना, ये लाइन भूल जाओ, सिर्फ ये देखो कि ये पूरा एंगल जो कवर अप होता है हमारे पास, ये एंगल जो कवर अप हो रहा है ये कितना हो रहा है, ये एंगल हो रहा है थीटा प्लस फाइव, कितना हो रहा है थीटा प्लस फाइव। सो दैट्स व्हाई अगर मुझे जेड टू फाइंड आउट करना हो तो जेड टू में क्या लिखूंगा सर, कुछ नहीं लिखेंगे, आर ई की पावर आयोटा थीटा प्लस फाइव। और अगर इसको मैं ब्रेक कर दूं लाइक दैट, देखने का इधर देखिएगा, बहुत ईजी है, आर ई की पावर आयोटा थीटा डॉट ई की पावर आयोटा फाइव। तो मैं अगर यहां से ई की पावर आयोटा थीटा को अलग लिखते हुए और यहां इसको ब्रैकेट में ई की पावर आर ई की पावर आयोटा फाइव लिखता हूं, तो आई थिंक ये क्या चीज पढ़ी है, ये हमने क्या पढ़ी है, जेड वन ही तो पढ़ा है हमने, तो क्या मैं इसको जेड वन लिख सकता हूँ, ई की पावर आयोटा थीटा, और ये आ जाएगा मेरे पास जेड वन। सो दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि जेड टू को अगर रिप्रेजेंट करना हो, अगर जेड वन दे रखा हो, एंगल दे रखा हो, तो ये जो लाइन, समझना बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये बताना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं इतनी सी बात बताना चाह रहा हूँ कि हर जगह अगर आपको लाइन ना दे रखे, ये एक्सेस ना दे रखे, रियल एक्सेस और इमेजरी एक्सेस ना दे रखी हो, तो हम ये जान सकते हैं कि अगर ये लाइन जेड वन दे रखी है और जेड वन और जेड टू है जो जेड वन से कितने एंगल पे रोटेट हो रही है, थीटा एंगल पे रोटेट हो रही है, तो हमारे पास जो जेड टू की वैल्यू आएगी वो रोटेशन यानी कि ई की पावर आयोटा थीटा जेड वन आ जाएगा। जेड वन लाइन दे रखी है और इसके रेस्पेक्ट में हमारे पास थीटा रोटेट हो रहा है, तो ये हम इस तरीके से समझ सकते हैं। बोलो बात आई समझ में, कुछ भी लाइक दैट, मगर मान लो ऐसे लाइनें दे रखी है, आप जैसे इसको भूल जाओ डायग्राम को, ये सर थीटा दे रखा है आपको और ये जेड वन दे रखा है, ये जेड टू दे रखा है, तो सर जेड टू क्या हो जाएगा मेरे पास, जेड टू हो जाएगा जेड वन डॉट ई की पावर आयोटा थीटा, बस ये हो जाएगा ना, बस सिंपल तरीके से समझना है, ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है, तो नॉर्मल इस चीज को आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं लाइक दैट, जैसे कि हम यहाँ पर समझेंगे, तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया कि जेड टू इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा जेड वन, देयरफॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ जेड वन विद ई की पावर आयोटा थीटा। यहाँ पर क्या सकते हैं कि जब वो ओपी के रेस्पेक्ट में जब रोटेट होती है, तो यानी कि सिंपल सी बात है, ओपी से जब वो एंगल वेक्टर ओपी है जो रोटेट होता है, किस एंगल से रोटेट होता है, थीटा एंगल से रोटेट होता है, यानी कि थीटा एंगल से रोटेट होता है तो किस डायरेक्शन में होता है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि जब थीटा हमारा मेजर हुआ है वो कैसा हुआ है, यहाँ पर पॉजिटिव मेजर हो रहा है, कैसा मेजर हो रहा है, पॉजिटिव। सो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि जो हमने अभी पढ़ा यहाँ पर, ये जो ओपी है
ये ओपी रोटेट हो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव, समझ सकते हो ना मेरी बात को, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो इसका मतलब ये समझना है कि हमारे पास जो थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेट हुआ है, इसका मतलब जो जेड टू आया है वो ई की पावर आयोटा थीटा जेड बना गया। लेकिन अगर ये, अगर मान लो जेड वन ऊपर होता और जेड टू नीचे होता, तो अगर मान लो ये जेड वन जेड टू ऐसे आता इस तरीके से, मतलब इसको क्या बोलते हैं हम, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कौन सी बोलते हैं, दो टाइप की डायरेक्शन पढ़ी है ध्यान रखना, यानी कि हमने पढ़ा है एक तो पढ़ा है एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज। मींस हम ये कह सकते हैं कि सर एक तो आपने पॉजिटिव एंगल की बात कर ली और एक आपने नेगेटिव एंगल की बात कर ली, तो द पॉइंट बात कर रहे हैं अपन, सीधी सी बात है, ज्यादा कोई डिटेल में मैं ऐसा डीप ज्ञान नहीं दे रहा हूं आपको कि अरे सर इतना भयंकर ज्ञान दे रहा हूं हमें कहां से समझ में आएगा, हमने कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ज्योमेट्री बता रहे हो, इतनी कहां से समझ में आ जाएगी हमें, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम हमेशा की तरह हलवा जबान पे रखा निकल गए, चबाने की जरूरत नहीं, बिना दांत वाला भी इसको तो चबा जाएगा, मतलब खा जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अपन बात आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, मतलब समझ गए तो मेरी बात को, अगर समझ गए हो तो ये भी बात समझ गए होंगे कि अगर आपके पास e की पावर माइनस आयोटा थीटा आ रहा है, दैट मींस विल रोटेट दी ओपी वेक्टर थ्रू एन एंगल थीटा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, गॉट इट, बात समझ में आई, यानी कि जेड वन यहाँ होगा यानी ओपी और जेड टू यहाँ होगा ओ क्यू, तो इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में हुआ तो माइनस थीटा आ गया, तो सो यहाँ पर जेड टू की जो वैल्यू आई मेरे पास वो क्या आई, जेड टू की जो वैल्यू आई जेड वन ई की पावर आयोटा माइनस आयोटा थीटा लाइक दैट। कोई दिक्कत इसमें किसी को भी, आई थिंक होनी भी नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था, यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं थी, सिंपल तरीके से हमने क्या कर दिया, यानी कि एक एंगल यानी कि एक लाइन को, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रेस्पेक्ट में रोटेट किया, कितने डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में, कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसके भी आप पे हमने इसको फाइंड आउट कर दिया, व्हाट इट। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं कि किसी भी वेक्टर कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने वेक्टर नोटेशन में कैसे लिखे, लाइक दैट मेरे पास डायग्राम से आपको साफ साफ दिख रहा है, देयर आर ए बी एंड ए सी व्हेन रोटेट थ्रू एन एंगल थीटा इन पॉजिटिव डायरेक्शन, दैट मींस इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, दिख रहा है ना, मैंने एरो भी बना रखा है, इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो अगर इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है देन क्या करोगे आप, कुछ नहीं, सिंपल तरीके से वही सर, ये आपको क्या फाइंड आउट करना है, एसी तो फाइंड आउट करना है, अच्छा एसी फाइंड आउट करना है, तो एसी फाइंड आउट करना है तो मेरे पास सर ऐसे लिख दूं मैं ए बी ई की पावर आयोटा थीटा, इतना ही लिखूंगा। अब ये एसी एक्चुअल में क्या है, हमें क्या लिखना है, ये जब वेक्टर की बात करी जा रही है, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है, क्योंकि अलोंग दी ए बी यूनिट वेक्टर, अलोंग दी ए बी यूनिट वेक्टर, अलोंग दी ए सी, तो व्हाट अबाउट दी यूनिट वेक्टर, सर ये लिखते हैं अपन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी, विच इज इक्वल टू वेक्टर ए बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी एंड नाउ दिस इज द ई की पावर आयोटा थीटा, गॉट इट, बस एक सिंपल सी कहानी सीधी। तो अब ए सी को कैसे लिख सकते हो, एज ए एसी वेक्टर लिखा जाता है, तो हमारे पास क्या होता है एसी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, हो गया बात समझ में आई बात, एसी को लिखना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ए बी को लिखना है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बस इतनी सी तो कहानी लिखनी है, हम यही तो पढ़ रहे हैं। व्हाट अबाउट द पोजीशन वेक्टर, हमने पढ़ा है ना वेक्टर के अंदर, पोजीशन वेक्टर को समझ सकते हैं हम इस चीज को, यानी किसी भी वेक्टर को लिखना होता है, तो जैसे ए बी वेक्टर लिख रहा है मैं, तो ओ बी माइनस ओ ए यानी पोजिशन वेक्टर ऑफ ओ बी एंड पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, ये चीज हमने पहले वेक्टर में पढ़ चुके हैं और वेक्टर में बहुत अच्छे से जाती है हमें, हमें सिर्फ यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर को इन वेक्टर नोटेशन में कैसे लिखते हैं वो चीज समझ नहीं है और कुछ नहीं। तो सिंपल तरीके से मैंने ये लिखा है जेड थ्री माइनस जेड वन अपॉन मोड ऑफ जेड थ्री माइनस जेड टू जेड वन सॉरी एंड इज इक्वल टू जेड टू माइनस जेड वन अपॉन मोड ऑफ जेड टू माइनस जेड वन ई की पावर आयोटा थीटा, बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वापस वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखिएगा इसको, कोई चीज समझ में नहीं आए तो वापस पूछ लीजिएगा, ऐसा कोई इश्यू नहीं है किसी भी तरीके से, लेकिन समझ में आना चाहिए। चलिए जी अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो सर इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताओ। हमने सिंपल तरीके से पढ़ा था सर, जेड वन डॉट जेड टू इज इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, सिंपल अगर मोड ऑफ, हमने यही तो पढ़ा था जेड वन जेड टू और ई की पावर आयोटा जो भी है वट एवर यानी थीटा प्लस फाइव, यही तो चीज हमने देखी थी, बोलो इस तरीके से समझा था ना हमने, नहीं समझाता यानी ये तो, चलो ये तो सर अभी आपने किस तरीके से बता दिया, हम सिंपल तरीके से इसको भूल जाओ, एक बार इसको भूलो,
इसको आप याद मत रखो, इसको सिंपल तरीके से ऐसे समझो कि सर हमने तो ये पढ़ाया, अभी तक तो आपने ये कुछ पढ़ाया नहीं कि जेड वन और जेड टू को मल्टीप्लाई किया था, यानी कि एक जेड वन ले लिया एक जेड टू ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और सॉल्व कर दिया। लेकिन आप ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कैसे बताना चाहते हो वो समझिएगा, वो हम किस तरीके से देखेंगे। मैंने यहां पर क्या ले लिया, दो पॉइंट ले लिए पी एन क्यू, तो इन पॉइंट को क्या कर दूंगा यहां पर मिला दूंगा, इन पॉइंटों को यहां पर क्या कर दूंगा मिला दूंगा लाइक दैट, इस तरीके से इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। बात आई समझ में? यहां जो एंगल बन रहा है यानी पी जेड वन, तो आर वन सिस थीटा, यानी कि ओपी की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी आर वन और ये कितनी हो जाएगी आर टू, गॉट इट। अब सिस थीटा वन यानी कि ये मेरे पास सीधी सी बात है, ये थीटा वन होगा और ये जो आ रहा है मेरे पास ये कितना होगा थीटा टू होगा, कितना होगा थीटा टू। तो ये थीटा टू होगा तो लाइक दैट यहां से इस तरीके से हो जाएगा, ये मैं मान लो ये थीटा टू मान लिया मैंने, कितना मान लिया थीटा टू, आदि टू कॉम्प्लेक्स नंबर इन द आर्गन प्लेन। अगर इसको अगर आगे आप समझें तो इस तरीके से ये कंप्लीट आ गया मेरे पास, यहां ये थीटा वन आ गया, अभी मैंने लिया था यहां डायग्राम बनाया था आपके पास, और ये मैंने कितना लिया था थीटा टू लिया था। अब मैंने क्या कर दिया यहां पर इस डायग्राम को थोड़ा सा और चेंज कर लिया, यहां से मैंने एक आर पॉइंट ले लिया इस यहां पर, और इस आर पॉइंट को इस तरीके से लिया है मैंने यहां पर, देखो कि ओपी तो आर वन ले ली और एक्स ओपी वन थीटा ले लिया, ओपी आर टू ले ली और क्यू ओ एक्स थीटा टू ले लिया। अब यहां पर मैंने एक मान लिया है ओ इज इक्वल टू वन ले लिया, एक यूनिट लेंथ ले ली मैंने। अब यहां से इसके ऊपर इस तरीके से लेंथ इसको ओ ए को मिला, पी ए को मिला दिया और एक आर पॉइंट यहां ले लिया जिसको मैंने इसको मिला दिया इस तरीके से। अब मिलाने पर मेरे पास दोनों ट्रायंगल कैसे बन गए, एक सिमिलर ट्रायंगल बन गए। कैसे सिमिलर ट्रायंगल बने कि सर जो ये ओ क्यू यहाँ पर जो मेरे पास एंगल आया है ये थीटा वन आया एंगल और ये भी थीटा वन आ गया एंगल, मैंने इस तरीके से इसको ओ आर को ले लिया। सो यहाँ पर लिखा है सो दैट ए इज इक्वल टू वन कॉमा जी एंड रियल एक्सिस ओ एक्स जॉइन ए पी कंस्ट्रक्ट ओ क्यू, हमें इस तरीके से बनाना है कि दो सिमिलर ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। किस तरीके से कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया और ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से हम कह सकते हैं, किसे एंगल एंगल सिमिलरिटी से, 10वीं क्लास 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, एंगल एंगल सिमिलरिटी से हम कह सकते हैं कि दोनों जो ट्रेंगल बने ये वाला ट्रेंगल और ये वाला ट्रेंगल दोनों कैसे हो गए हमारे पास सिमिलर ट्रेंगल हो गए। ओके, अगर ट्रेंगल सिमिलर हुए तो याद हो तो आपको पिछली क्लासेज के अंदर, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है आपके पास, या तो किसी के 2 साल निकले होंगे या किसी का 1 साल निकला, ज्यादा से ज्यादा 3 साल निकलेंगे, जो ड्रॉप कर रहा होगा वो 3 साल निकलेंगे। तो इसके अंदर सिमिलरिटी में हमने ये पढ़ा था कि अगर दो ट्रेंगल हमारे पास सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, साथ ही साथ ये भी बोल सकते हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है जो हमारे पास कैसा होता है इक्वल होता है। बस इतनी सी कहानी आपको ध्यान होनी चाहिए थी, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। तो यहां से मैं इसी कंसेप्ट को उठाऊंगा, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के कंसेप्ट को उठाऊंगा लाइक दैट। तो यहां पर देखिएगा मैंने यहां पर लिख दिया ओ ए इस वाली साइड, यानी कि इसके लिए ली मैंने ओ ए और इसके लिए ली मैंने ओ क्यू, यानी इस तरीके से देखिएगा मैंने दिखा रखा है ओ ए अपॉन ओ क्यू, और दूसरी ले ली मैंने यहां से ओपी और इसके लिए ली मैंने ओ आर, क्योंकि मुझे एक्चुअल में फाइंड इसी को करना है, इसका रोल नहीं है इतना बड़ा, हमें इन दोनों साइड का रोल ज्यादा बड़ा है। तो यहां से मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया, और ओ ए की वैल्यू हमने कितनी एज्यूम मानी थी वन, ओ क्यू है बाकी सब ऐसे कैसे लिख दी मैंने। अब हम जानते हैं क्योंकि हमने ओ ए डिस्टेंस कितनी ली थी वन ली थी। अब यहां से अगर मैं ओ आर की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो क्या आएगा ओपी इंटू ओ क्यू, ओपी इंटू ओ क्यू, और ध्यान से देखो ओपी कितना है मेरे पास आर वन, ओ क्यू कितना है आर टू, यह आ जाएगा आर वन इंटू आर टू, किसकी वैल्यू आई ओ आर की, यानी ओ आर कहाँ था सर ओ आर यहाँ पे था हमारे पास, ये इस तरीके से ओ आर आ गया मेरे पास, ओ आर हमारे पास ये आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आर वन डॉट आर टू। अब समझना थोड़ा सा मुश्किल था ना, ऐसे समझाता मैं तो समझ में भी नहीं आता कि सर ये डायरेक्टली कैसे ले आया, लेकिन हमने ट्रायंगल बना के ट्रायंगल की सिमिलरिटी के केसेस से हमने यहां से समझा कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा कैसा होता है इक्वल होता है। सो दैट्स व्हाई हम यहां से समझ सकते थे, और हमने ओ आर की वैल्यू ले ली, क्या ले ली हमने ओ आर की। अच्छा तो इसका मतलब हमें इन दोनों को क्या करना है, ये ओ आर आ गया मेरे पास। अच्छा सर तो इन दोनों को अगर आप एंगल को एड भी करोगे, मतलब एक्स ये वाला पूरा एंगल यानी कि एक्स ओ आर एंगल को एड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, क्योंकि ये एंगल हमने कितना लिया था देखो, ये इनिशियली यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, इनिशियली मैं इस एंगल को कितना लिया था थीटा टू लिया था, और यहां मैंने ओ आर आर पॉइंट लिया था, इस तरीके से इसको मिलाया था, इस तरीके से इसको मिलाया था, ये दो ट्रायंगल बना दिए थे। समझ में आ रही है ना बात, मैं स्टेप बाय स्टेप चलाऊं, यहाँ डायग्राम बना दिया वहां बना दिया वहां बना दिया, जिससे आपको दिमाग में एक विजुअलाइजेशन क्लियर हो जाए, क्लियर खुल जाए आपका दिमाग, यानी कि सिंपल सी बात है। तो इधर मैं मान लो ये ओ आर एक्स ओ आर एंगल की बात करूं तो ये थीटा टू, और ये मैंने एज्यूम किया था कंस्ट्रक्शन करने के लिए, सॉरी कंस्ट्रक्ट किया था किसके लिए सिमिलरिटी के थीटा वन, तो ये जो एंगल बना मेरे पास कितना बना, ये एंगल बन गया मेरे पास
थीटा वन थीटा टू, थीटा वन प्लस थीटा टू लाइक दैट। तो एक्स ओ आर मेरे पास थीटा वन प्लस थीटा टू बन गया। सो फाइनली आर रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो आर कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास आया है यहाँ पे, ये जो आर कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, ये एंगल कितना बना मेरे पास थीटा वन प्लस थीटा टू, और इसकी लेंथ कितनी आई आर वन आर टू। तो यानी कि मेरे पास जो एंगल आ जाएगा पूरा क्या आ जाएगा, यानी कंप्लीट इसको जेड इस आर वाले वेक्टर को रिप्रेजेंट करूंगा तो आ जाएगा आर वन आर टू सिस थीटा वन प्लस थीटा टू। आर वन आर टू को क्या लिख सकता हूं मैं, जेड वन जेड टू भी लिख सकता हूं इस तरीके से। यानी कि हमने क्या कर दिया, दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई इस तरीके से करवा दिया। समझ में आई बात, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, लेकिन हमने ये समझा था सिर्फ पहले, सिर्फ ये समझा सिर्फ सिंपल दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। लेकिन अब किसी भी दो वेक्टर, सॉरी वेक्टर नहीं मैं गलत बोल गया, सॉरी सॉरी, मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपली मल्टीप्लाई किया था, अब मैंने इसको ज्योमेट्रिकल फॉर्म में, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास जेड वन आ गया मेरे पास और जेड टू आ गया, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, जेड वन जेड टू, जेड वन इंटू जेड टू यानी आर वन इंटू मोड ऑफ जेड वन मोड ऑफ जेड टू और सिस थीटा वन प्लस थीटा टू। यही चीज मैंने आपको बताई थी, ये अब हम जानने लग गए। तो इस तरीके से हम दो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत, चलिए जी नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यानी कि अब यहाँ पर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जेड वन जेड टू मैंने यहाँ पर लिख, दैट मीन जेड वन जेड टू यहाँ लिखा नहीं आ गया ना, ये जेड वन जेड टू आ गया, इसका मतलब ये, तो इसको आप यहीं पर रहने दो। चलिए जी नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेशन, डिवाइडेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपल यहाँ पर भी यही ले लिया मैंने, इसको इससे मिला दिया, सॉरी इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, मिला दिया। अब यहां पर भी क्या कर दिया मैंने, पी जेड वन यहाँ थीटा वन ले लिया, ये वाला एंगल, ये थीटा वन ले लिया और पी जेड सॉरी यहाँ ये थीटा वन लिया और पी जेड टू यहाँ थीटा टू ले लिया मैंने एंगल, ये थीटा वन ले लिया मैंने एंगल और ये थीटा टू ले लिया एंगल, ले लिया। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए इन आर्गन प्लेन। चलिए जी कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमने चूज कर लिए, तो पहले ऊपर वाले में जेड वन ले लिया, नीचे वाले में जेड टू ले लिया। अब करना क्या है इसके अंदर, हम यहाँ पर वही वापस क्या करेंगे, दो सिमिलर ट्रायंगल बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो अगर मैंने मान लो ये पूरा थीटा वन लिया है और ये थीटा लिया है, तो ऊपर जो एंगल बनेगा यानी कि यहाँ पे, यहाँ से आपके पास जो एक एंगल क्रिएट होगा लाइक दैट, यहाँ पर एक आर पॉइंट क्रिएट होगा और आर पॉइंट को इससे मिला दूंगा, इसको इससे मिला दूंगा, तो ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, थीटा टू एंगल बनेगा, कितना बनेगा थीटा टू एंगल बनेगा, और इसको इधर से मिला देंगे। तो वही वापस हम क्या ले रहे थे, वन यूनिट ले रहे थे, ए वैल्यू ले ली यहाँ पर जैसे ली थी पहले, तो यहाँ पर ये दोनों मेरे पास ट्रायंगल कैसे बन गए, दो सिमिलर ट्रायंगल बन गए, और दो सिमिलर ट्रायंगल बन गए किससे, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। अगर एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दो सिमिलर एंगल बन गए, तो हम कह सकते हैं कि सर इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो हमेशा कैसा आएगा, इक्वल आएगा, सॉरी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, बिल्कुल करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा आएगा, इक्वल आएगा। तो चलिए जी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो की बात की जाए, तो कौन कौन सी साइड लेनी है, क्या ये साइड जरूरत है, नहीं, साइड हमें ये वाली, यानी कि सिंपल सी बात है, इस वाले की ये साइड ले ली, इस वाले की ये साइड ले ली, इस वाले की ये साइड ले ली और इस वाले की सॉरी यहाँ पर आ गया मेरे पास कौन सा, ये रहा, इस वाले की ये साइड और इसकी ये वाली ओपी साइड आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ लिख दिया अपन ने ओपी और ओक्यू, आ गया अपन, हाँ इधर से आ गया मेरे पास ओपी और इसके ले लिए ओक्यू, तो इसने यहाँ से इस तरीके से साइड ले ली, एक तो ओपी और ओक्यू और दूसरी ले ली मेरे पास ओ आर और ओ ए, बात वही है, आप कैसे भी घुमा फिरा के लिखो कोई फर्क नहीं पड़ना है, आना वही है वापस। तो यहाँ से फाइनली ओ आर की वैल्यू कितनी, ओ ए तो मेरे पास कितना है, वन है जो हम जानते हैं, तो ओ आर की वैल्यू आ गई आर वन अपॉन आर टू, ओ आर की वैल्यू आ गई आर वन अपॉन आर टू यानी जेड वन अपॉन जेड टू, दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे मोड ऑफ जेड वन अपॉन मोड ऑफ जेड टू, दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे, उनका क्या क्या डिविडेशन तो कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि एक्स ओ आर, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये जो एंगल आया मेरे पास एक्स ओ आर, ये एंगल मेजर हुआ है, ये एंगल कितना होगा टोटल मेरे पास कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है थीटा वन है, कितना है थीटा वन। तो अब यहाँ पर मेरे पास ये जो एंगल आया है ये कम्प्लीटली थीटा वन माइनस क्या हो जाएगा थीटा टू हो जाएगा, थीटा वन माइनस थीटा टू, कैसे, क्योंकि सर ये मुझे एंगल, इतना एंगल चाहिए मुझे, मुझे इतना एंगल चाहिए, तो सर ये इतना यहाँ तक मेरे पास मेजर हुआ है थीटा टू, तो सॉरी थीटा वन, तो यहाँ से ये एंगल हटा दो लाइक दैट, यहाँ देखिएगा ये एंगल कितना हुआ थीटा थीटा वन, इसमें से ये एंगल सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये एंगल आ जाएगा मेरे पास, तो ये आ जाएगा मेरे पास थीटा वन माइनस थीटा टू एंगल आ जाएगा मेरे पास। तो यहीं से अपन ने इस कहानी को समझा और यहां से अपन ने आगे इसको बढ़ाया, तो क्या बोला कि एक्स ओ आर थीटा वन माइनस थीटा टू, दैट मीन्स हम किसी भी आर जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है
मेरा ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर आर जो रिप्रेजेंट हुआ है एज ए क्वेश्चन के रूप में, जो क्या आ जाएगा मेरे पास, जेड वन आर वन अपॉन आर टू यानी मोड ऑफ जेड वन अपॉन मोड ऑफ जेड टू सिस थीटा वन माइनस थीटा टू। गॉट इट, बात आई समझ में? यानी जेड वन अपॉन जेड टू रिप्रेजेंट कर लिया, यानी जेड वन अपॉन जेड टू को रिप्रेजेंट करने का तरीका मेरे पास आर वन अपॉन आर टू सिस थीटा वन माइनस थीटा टू। और सिमिलरली हमने जेड वन इंटू जेड टू को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया था, आर वन आर टू सिस थीटा वन प्लस थीटा टू। गॉट इट, कोई प्रॉब्लम इसमें? किसी को भी किसी भी तरीके से इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जल्दी से इसको नोट कर दो और आई थिंक आपको बातें समझ में आ भी गई होगी बहुत सिंपल तरीके से। मतलब आखिर में फाइनली आपको चाहिए क्या? फाइनली आपको ये रिजल्ट ही याद रखना है, फाइनली इन रिजल्ट के बारे में गौर करना है, लेकिन कहाँ से आए मैथ्स में ये तो जानना जरूरी है ना, क्योंकि ऐसे मैथ्स पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं है जहाँ चीजें अपने पता ही ना रहे कि कहाँ से आई है, तो इनके बारे में नॉलेज होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अपन आगे डिस्कस करते हैं अपन इसके अंदर कुछ रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। तो क्या रिजल्ट है, उस रिजल्ट को ध्यान से देखिएगा, मिसलेनियस रिजल्ट है। तो मैंने कहा कि अगर मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनके उनको ऐड करके उनका मॉडुलस का स्क्वायर कर दिया जाए, तो एक सिंपल सी प्रॉपर्टी आपको याद होगी, मैं उस प्रॉपर्टी से अगर सॉल्व भी करता ना, आई थिंक मैंने करवाया भी है, कि अगर मान लो मोड ऑफ जेड का स्क्वायर करें तो ये क्या होता था, जेड डॉट जेड बार, यही पढ़ा था ना अपन ने, जेड डॉट जेड बार, उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमने इसको लिखा था। अब यहां इसको लिखा है तो टू टाइम, यहां पर टू टाइम ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू का बार। अब रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू का बार याद करो, एक सिंपल सी कहानी बताता हूँ, सिंपल सी बहुत बारीक सी चीज, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताओ जेड वन जेड टू को अभी आपने क्या लिखा है, आर वन आर टू सिस थीटा वन प्लस थीटा टू, ये लिखा है ना। अगर ये जेड टू ना होके क्या होता, और जेड वन ना होके क्या होता, जेड वन तो जेड जेड ही होता और जेड टू क्या होता, इस जेड का ही बार होता, तो इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड अगर मान लो थीटा है तो इसका एम्पलीट्यूड आपने क्या पढ़ा है। देखो अब मैं नाराज नहीं होना चाहता, मतलब अब ये चीज मुझे एकदम हताश मत करना, आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है। अब आप ये कह सकते हो कि सर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार हमारे पास क्या आएगा, माइनस थीटा आएगा, नहीं आएगा बताइए, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार आ जाएगा माइनस ऑफ थीटा, ये पढ़ा था हमने। अब इसको भी नहीं समझ में आ रहा तो ये भी देखो मैं फिर बता देता हूँ हर एक चीज। तो सिंपल तरीके से ये हमारे पास जेड था और ये था जेड बार, तो ये मेरे पास थीटा और ये माइनस थीटा, यही पढ़ा था ना हमने, समझ में आई बात। चलिए जी अब नहीं बताऊंगा बार बार, मैं चीजें ध्यान रखना ये सारी की सारी। तो यहां से हमने इस तरीके से पढ़ लिया, तो अब मैं ये कह सकता हूं कि ये जेड बार, तो यहां पर ये मेरे पास आर वन, यानी कि इसको मैं सिर्फ ये क्या लिख दूं, और ये लिख दिया मैंने, इसको देखिएगा, इसको लिख दिया जेड और ये जेड बार मोड में, और सिस थीटा वन की जगह थीटा और थीटा टू की जगह माइनस थीटा, तो थीटा माइ सॉरी थीटा वन माइनस थीटा टू माइनस लिख दिया, ठीक है ना। इसके लिए तो यहां पर मेरे पास रियल पार्ट की बात की गई है, तो मैं इसको लिख देता हूँ जेड डॉट जेड बार इजिकल टू क्या आ जाएगा, ये आर वन लिख लेता हूँ और ये आर टू लिख देता हूँ, और कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा वन माइनस थीटा टू। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है ना, तो अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसका मतलब यहां से रियल पार्ट उठाना है आपको, जेड जेड बार का रियल पार्ट उठाना है, तो क्या उठाओगे, आर वन आर टू कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू। तो मैंने क्या किया, यही तो किया यहाँ पर, भाई टू तो अपनी जगह कॉन्स्टेंट रहा, इस रियल पार्ट को तो उठाया मैंने, उठा के ये रख दिया बस। ये कब आया दिमाग में, जब अपन ने मल्टीप्लीकेशन पढ़ लिया, अगर ये मल्टीप्लीकेशन नहीं पढ़ते तो क्या इतना दिमाग में सोच पाते क्या, नहीं सोच पाते हम, डायरेक्टली अब दिमाग लगाना लग गए। सिमिलरली अगर इसी की बात की जाए तो यहाँ पर भी यही आ जाएगा, बस यहाँ माइनस का साइन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, आते ही समझ में। और थीटा वन यहाँ लिखी दिया इसने, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड वन थीटा वन और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड टू थीटा टू, गॉट इट। चलिए जी इसको फटाफट से नोट कर दीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक, यानी आपको कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए किसी भी तरीके से इसमें, बिल्कुल सिंपल तरीके से अपन ने समझाया। नेक्स्ट देखिएगा, एक छोटा सा प्रूफ बता दिया था मैंने, वैसे बताने की जरूरत नहीं है, तो आई थिंक इस प्रूफ को मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं है, आपको समझ में आ गया था सारी की सारी चीजें, और ये सही आपको सेकंड वाला मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बता दिया, इतना बड़ा जाने की जरूरत नहीं है। चलिए फिर भी आपको अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो, चलिए मैं वापस एक बार बैक कर देता हूँ कि सर हम एक बार नोट तो करने देते। चलिए जी इसका फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो इसको जल्दी से पोज करके, इसको भी लिख लो फटाफट से पोज करके स्क्रीनशॉट लेके, जो भी लिखना मैंने जो बताया वही चीज बताइए सिंपली, ज्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं था। अब आ जाइए ये भी लिख दीजिएगा। अब आते हैं अपन कुछ समरी पे, यानी डायरेक्टली हमने जो भी पढ़ाया वो क्या क्या पढ़ लिया हमने, आयोटा स्क्वायर
ये प्रॉपर्टी से माइनस वन पढ़ लिया आयोटा की, ये वाली जेड जेड बार हमने ये जो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ ना, जो समरी आई है सारी की सारी, ये मान के चलो 99% 99% केसेज में आपके जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 99% यहीं से आ जाता है, मतलब इन्हीं प्रॉपर्टी के बेसिस से आ जाए, यहीं से मतलब ये नहीं कि सब इन पॉइंट से आ गया। मेहनत तो आपको करनी है, लेकिन आपके लिए ये है कि आप प्रॉपर्टी को दिमाग में रखोगे तो यहीं से क्वेश्चन बैठ सकता है। ठीक है, जेड जेड बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू टाइम ऑफ रियल रियल पार्ट ऑफ जेड, ये हमने पढ़ लिया। जेड माइनस जेड बार की वापस टू टाइम ऑफ आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, अगर जेड रियल है तो जेड जेड के बार के इक्वल हो जाएगा, जेड प्योरली इमेजरी है तो जेड जेड बार का सम होगा वो जीरो होगा, वो भी पढ़ लिया हमने। ठीक है, अगर जेड हमारे पास एफ वन जेड है देन जेड बार क्या हो जाएगा, वही वापस इसका भी बार जेड, मतलब कोई फंक्शन वैल्यू कह रहा है। अच्छा, ये इनइक्वलिटीज है, ये ट्रायंगल की फॉर्म में होती है, यानी सिंपल सी बात है, अगर मैं थोड़ा सा इसको आपको आइडिया दूं इस इनइक्वलिटीज का, तो आप समझ सकते हो कि अगर मेरे पास ये जेड वन ये आ गया, ठीक है, ये जेड वन ले लिया और ये मेरे पास जेड टू ले लिया, तो अगर जेड वन जेड टू लिया है तो आपके पास, आपको याद हो वेक्टर में हमने ये पढ़ा था, अगर इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो लाइक दैट, ये से, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये भी हो गया मेरे पास जेड टू हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसके पैरेलल मैंने कोई चेंज नहीं किया, जैसी थी वैसी की वैसी यहाँ उठा के यहाँ रख दी मैंने, तो अगर इसका यहाँ से रिजल्टेंट निकालो, ये यहाँ से आती ये यहाँ से आती, तो रिजल्टेंट आ गया जेड वन प्लस जेड टू आ गया, तो यानी कि ये जो डिस्टेंस आई मेरे पास, ये डिस्टेंस क्या हो सकती है, हमेशा ग्रेटर होगी किससे, सॉरी लेस होगी हमेशा किससे, बाकी टू साइड से। याद करो एक छोटी छोटी बात है, मैं कह रहा हूँ ना छोटे छोटे हथियार होते हैं ना, बहुत बड़ा काम कर जाते हैं, ये प्रॉपर्टी बताने के लिए मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, लेकिन आपको लगेगी सर कि क्या बता दिया सर आप, हमने तो पहले पढ़ रखी थी लेकिन हमें दिमाग में नहीं आया कभी, ऐसा सोचोगे कभी कभी कि हमने ये पढ़ रखा है, किसी भी ट्रेंगल को बनाने के लिए क्या तीन साइड दे दूं आपको तो ट्रेंगल बना लोगे क्या 90%, तो ये नहीं सोच रहे हो मेरे हिसाब से, तो आंसर ये आ रहा है सबका कि हाँ सर तीन साइड दे दो ट्रेंगल 100% बनाएंगे, बिकॉज ट्रेंगल की डेफिनेशन ही है अ क्लोज क्लोज फिगर इंटरसेक्शन, क्लोज फिगर फॉर्म बाय इंटरसेक्शन ऑफ थ्री लाइंस, थ्री स्ट्रेट लाइन, किसी भी तीन स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट करवा के हम क्लोज फिगर बना सकते हैं, जो क्लोज फिगर बनेगा वो हमारे लिए क्या होगा ट्रायंगल होगा, बट इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग अगर आपको एक चीज नहीं पता है तो, क्या कि उन तीन साइड के अंदर एक मेन इंपॉर्टेंट चीज, पहली चीज ये है कि उनके अंदर दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए, तब जाके आप ट्रायंगल को फॉर्म कर सकते हो। गॉट इट, कभी पढ़ी ये चीजें, ध्यान होगी ना, हाँ ध्यान तो होगी मुझे पता है काफी जनों को, हाँ सर सर हाँ अब याद आ गया, याद आ गया, पढ़ा तो था, है ना, मतलब कहते हैं ना कुछ चीजें बहुत छोटी छोटी होती है लेकिन बहुत काम आती है, तो यहाँ पर ये चीज आपको जाननी जरूरी है कि ट्रायंगल के अंदर हमेशा ध्यान रखना कि तीन साइड होती है तो उसमें से दो साइड का सम होता है हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। गॉट इट, तो यहीं पर ये सिंपल सी प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई हो रही है, मैंने अभी बनाया यहाँ पर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर थे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये सारा ये जेड वन है तो इसका मतलब इसकी लेंथ कितनी होगी मोड ऑफ जेड वन, और इसकी लेंथ कितनी होगी मोड ऑफ जेड टू, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल बनाए तो इन दोनों साइड का सम क्या बताया, ग्रेटर बताया है किससे, थर्ड साइड से। अरे सर इसमें इक्वल टू भी लिखा है, आप है ना बेवकूफ बना रहे हो हमें, अरे इक्वल टू हो सकता है ना, जब जेड वन जेड टू और ये पूरी पूरी लाइन अगर ऐसे आ जाए मिल जाए, यानी कि ये लाइन अब ऐसे ना होकर बिल्कुल ऐसे हो जाए, तो जेड वन और जेड टू इस तरीके से, तो ये जेड वन प्लस जेड टू क्या इक्वल नहीं होगा जेड वन प्लस जेड टू के, नहीं होगा क्या, हो जाएगा ना, समझ रहे हो ना बात, तो सर हो सकती है ना, कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि हम नहीं कर सकते, चीजें बहुत इजी होती है, बस उनको समझने की जरूरत है। मैथ्स इज लाइक ए मैजिक लॉजिक, इसके अंदर सब कुछ होता है, मैजिक भी होता है लॉजिक भी होता है, लेकिन बस अपने आप को फील करने की जरूरत है, मैथ्स को जब तक फील नहीं करोगे ना मजा भी नहीं आता इस चीज को पढ़ने में, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। चलिए जी, तो यहाँ इसको किसी को भी किसी भी तरीके से प्रॉब्लम है क्या, आई थिंक होनी भी नहीं चाहिए, सबको समझ में आ गई होगी कहानी। चलिए जी नेक्स्ट समझते हैं, यहाँ ये चीज लिख दी, यानी कि वही बात है कि अगर डिफरेंस लिख दिया साइड का, तो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, यहाँ पर इस तरीके से ये जो डिफरेंस आया है मेरे पास, ये दो दो साइड थी, इन दोनों साइडों का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, लेस होता है, जैसे सम होता है वो ग्रेटर होता है, और लेस होता है वो क्या होता है, सॉरी सम होता है वो ग्रेटर होता है किससे, थर्ड साइड से, और जो डिफरेंस होता है वो कैसा होता है, लेस होता है थर्ड साइड से, तो कॉमन सेंस वाली बात है, ये तो दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, ये भी पढ़ लिया हमने कि अगर जेड इजिकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो रूट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला था याद है, प्लस माइनस मोड ऑफ जेड प्लस ए अपॉन टू माइनस प्लस आयोटा रूट ऑफ मोड ऑफ जेड माइनस ए अपॉन टू, और अगर यहाँ पर एक्स माइनस आयोटा आ जाए तो आयोटा को किससे रिप्लेस कर दो, माइनस आयोटा से कर दो, समझ में आई बात,
ठीक है ना। यहाँ सिंपल तरीके से इस तरीके से अपन ने समझाता है, यानी कि साइन पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव लेके अपन बहुत सेम साइड लेके बात की थी अपन ने कुछ, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर देख लेना मेरे, सारी चीज समझ में आ जाएगी आपको। यहाँ 11th नंबर में यहाँ Z1 + Z2 का स्क्वायर किया, वापस वही चीज आ गई, ये अभी भी पढ़ी अपन ने लेटेस्ट। और cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को sis थीटा लिख सकते हैं, ये हमारे पास कौन सी होती है, पोलर फॉर्म होती है। e की पावर आयोटा थीटा को sis थीटा लिखा, e की पावर माइनस आयोटा sis माइनस थीटा लिखा, और 1/sis थीटा को क्या लिख सकते हैं, sis माइनस थीटा। पता है ना कि सर ये 1/cos θ + iota sin θ को सॉल्व करने जाऊंगा ना बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैंने कहा कहाँ बेटा सॉल्व करने की जरूरत है, कहाँ सॉल्व करने की जरूरत है, हम तो इसको जानते हैं 1/e की पावर iota θ लिखता हूँ, सीधा सीधा इसको क्या लिख दो, e की पावर माइनस आयोटा थीटा, हो गया काम। तो यानी कि e की पावर माइनस आयोटा थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, e की पावर आयोटा माइनस थीटा, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, cos θ + iota sin θ, लो जी लिख सकता हूं ना। तो बस कुछ भी ज्यादा नहीं है। तो हमने यूलर फॉर्म जो पढ़ी थी, जो यूलर आयलर, बार बार मैं दोनों बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि काफी जने यूलर भी बोलते हैं आयलर भी बोलते हैं, मैं भी कंफ्यूज हूँ इस चीज में, कभी आयलर यूलर दोनों आ जाता है। तो यानी कि इस चीज में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर ये क्या चीज है, कि आयलर फॉर्म को हमने क्यों यूज किया था, इसी तरीके से किया था किसी को भी कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए। बात आई समझ में, ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आ रही होगी और काफी हद तक समझ में आ भी गई होगी। बहुत सिंपल तरीके मैंने सारे जो पॉइंट लिखा है, पॉइंट याद रखना जरूरी है, ये पूरी समरी आ गई इसके अंदर। फिर सिस अल्फा और सिस बीटा को लिखा था अपन ने, डायरेक्टली ऐड करवा दिया था, सर डायरेक्ट लिखते तो मल्टीप्लाई करो, बहुत भयंकर जा रहा था ना। मैंने सिंपल ई की पावर आयोटा एल्फा, ई की पावर आयोटा बीटा, ई सेम है दोनों का, आयोटा कॉमन आ गया, थीटा प्लस एल्फा प्लस बीटा, ठीक है। वैसे ही अपने डिविजन भी कर दिया था अपन ने, और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार हमने क्या लिखा था, जीरो। एम्पलीट्यूड की प्रॉपर्टी को मैंने लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से कंपेयर करवाया था, मैंने कहा था एम्पलीट्यूड लगभग 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 क्या 90% ही मान लो आप, तो लॉगरिथम से मिलता जुलता है, ये मत मान लेना लॉगरिथम एम्पलीट्यूड एक है, उनकी प्रॉपर्टी मैंने कहा है प्रॉपर्टी उनकी बिल्कुल लॉगरिथम जैसी है। यहाँ भी एम्पलीट्यूड के अंदर Z1 Z2 क्या है, तो यहाँ पर वो अलग अलग करने के लिए प्लस आ जाएगा, Z1 / Z2 क्या है अलग अलग करने के लिए माइनस आ जाएगा, Z1 की पावर या Z की पावर n है तो n पावर आगे आ जाएगी, यही चीज पढ़ी थी अपने, बिल्कुल सिंपल तरीके से सारी चीजों को अपन ने डिस्कस किया था। गॉट इट। यहां तक किसी को भी कोई भी कैसी भी समस्या होनी भी नहीं चाहिए, और बाकी आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा। और सिंपल सी बात है, अपने लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन, और रोटेशन के अंदर भी आपको समझ में आ गया था कि किसी भी लाइन के रेस्पेक्ट में किसी और लाइन का रोटेशन, यानी ये था Z1 ये था Z2, तो Z2 का जो हमने रोटेशन की बात की थी इस तरीके से, यहाँ से ये थीटा एंगल से रोटेट हो रहा था, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर जो इसकी वैल्यू निकालनी होती थी, Z2 की वैल्यू निकालनी होती थी, तो क्या निकाला था अपन ने, Z1 e की पावर iota θ, याद है ना, भूलना मत किसी भी तरीके से, समझ में आई बात। और ये हमारे पास इस तरीके से क्या था, ये कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन, यहाँ पर इसने Z1 ले लिया था या Z2 ले लिया था और Z3 ले लिया था, तो उसके भी आप पे किया था, लेकिन अपन ने डायरेक्टली इसको मैं समझा भी दिया इस तरीके से, ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल ईजी थे, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, जैसे पहले सिंपल जो पहले अपन ने लेक्चर पढ़े। आज का एक लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट था कि इस लेक्चर के अंदर हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पढ़ ली। पहले क्या था एक्चुअल में, डायरेक्टली हम वो तो सारी चीजें कहीं भी पढ़ लेते थे, रेमेंस लेवल तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये थोड़ा सा कहीं के एडवांस लेवल तक जो क्वेश्चन बनते हैं वो काफी हद तक इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। एक लास्ट एक लेक्चर और अपन इसके रिगार्डिंग, कॉम्प्लेक्स नंबर के रिगार्डिंग देखेंगे, जिसके अंदर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी यानी बेसिक ज्योमेट्री से रिलेटेड, उनके जैसे सेंट्रोइड की बात हुई और सेक्शन फॉर्मूला की बात हुई, किसी लाइन की क्वेश्चन की बात हुई, तो उन सारी चीजों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, बार बार एक ही बात बोलूंगा, बहुत अच्छे से समझ में, क्योंकि मैं पॉजिटिव हूं तो आप 100% पॉजिटिव रहिए, आपको समझ में आया ही होगा, मैं कभी नेगेटिव नहीं होता आपको समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और 100% आया होगा, ठीक है। नहीं भी आया हो तो कोशिश करना, बट फिर भी कहता हूं आया होगा। बट चलिए तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और थैंक यू।